आगामी त्योहार के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक मैनपुरी ने जनपद वासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं सख्त लहजे में हिदायत दी कि कोरोना संक्रमित काल है, इसमें आप घर में रहकर त्योहार मनाएं व माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें, खुले में कुर्बानी ना करें, ना ही उनके अवशेष डालें, घर पर ही नमाज अदा करें। दरअसल शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर पुलिस अधीक्षक मैनपुरी अजय कुमार ने मैनपुरी जनपद वासियों को पुलिस प्रशासन की तरफ से आने वाले सभी त्योहारों की शुभकामनाएं और बधाइयां दी। उन त्योहारों में ईद का त्योहार शामिल है। इन सभी त्योहारों पर शुभकामनाएं देते हुए साथ ही साथ सभी जनता से अपील करते हैं, शनिवार रविवार का साप्ताहिक बंदी रहता है, उसका अक्षरता से पालन करें। क्या शुभकामनाएं हैं जनपद वासियों को? हमारे मैनपुरी जनपद वासियों को पुलिस प्रशासन की तरफ से आने वाले सभी त्योहारों की शुभकामनाएं और बधाइयां। उन त्योहारों में ईद उल अज़हा का त्यौहार भी शामिल है, रक्षाबंधन का भी त्यौहार शामिल है। इन सभी त्योहारों पे हम शुभकामनाएं देते हैं, साथ ही साथ अपनी सभी जनता से अपील करते हैं कि शनिवार रविवार का जो साप्ताहिक बंदी रहता है उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। सेक्टर स्कीम लागू की गई है, जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात है, सोशल मीडिया पर भी निगाह गड़ाई गई है, जमाई गई है, तो कोई ऐसा काम ना करें जिससे माहौल बिगड़े शहर का, कस्बे का। ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ़ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और जो भी बकरीद के लिए जो नियम कानून बताए गए हैं, मीटिंग हुई थी जिला स्तर पे, उसका पालन करें, कहीं खुले में कोई कुर्बानी न दी जाए, नमाज अपने अपने घरों में पढ़ी जाए और खुले में कोई मांस का या किसी कुर्बानी का अवशेष इत्यादि न फेंका जाए और न ही परिवहन किया जाए। इसका बहुत कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सभी टीमें सतर्क हैं, कई QRT का गठन किया गया है, महिला कांस्टेबल्स भी तैनात रहेंगी, PSC के भी 2 से ज़्यादा कंपनियां हमारे पास खुद ही मौजूद हैं और उनका भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर के यही है कि सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें, कोरोना महामारी से भी बचना है और त्योहारों का भी आनंद लेना है, दोनों में संतुलन कायम रखें। एक बार पुनः सभी को आने वाले त्योहारों की हार्दिक बधाई।